कैंप में ड्यूटी लगी है, कैंप में नहीं आते थे, आते थे तो 12 बजे आते थे, 4 बजे चले जाते थे। हमारे कर्मचारियों को उल्टा सीधा बोलते थे हमारे साथियों को। तो शुक्रवार के दिन की बात है, उनको कमरे में बैठाला गया और फिर वहाँ बातचीत चालू की गई, लेकिन उनने सीधा कह दिया कि मैं जा रहा हूँ हरिजन आदिवासी थाने में, आपकी रिपोर्ट दर्ज करूँगा। कौन कौन बैठे थे उस कमरे में? उस कमरे में थे उपाध्यक्ष जी बैठे थे, पार्षद जी बैठे थे, नंदकिशोर उइके जी बैठे थे, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस नरेंद्र महतो जी बैठे थे। तो अभी कर्मचारी क्या चाह रहे? कर्मचारी ये चाह रहे कि ऐसी झूठी शिकायतें, गाली गलोच की शिकायतें, कि ना गाली गलोच हुई, ना वहाँ मारपीट का कोई मामला आया। नगर परिषद में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग तो होगी आप लोगों के पास? परिषद वो सभा कक्ष में हो रहा था, सभा कक्ष में कैमरे नहीं। जी, तो अभी आप लोग क्या चाहते, गोरे जी पे क्या कार्रवाई की मांग की जा रही है? कार्रवाई की जाए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाए। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि भाई कल में हम लोगों पे भी यही इस तरह की शिकायतें करेंगे वो। जी, और पहले भी उनके लिए ये जानकारी हमने इकट्ठी की है कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की उन्होंने वारदातें करी है अन्य जगह में, तो उनको हटाने की भी मांग कर रहे हैं। हटाना ही है, हटाने की मांग भी की जा रही है। हम लोग काम पे नहीं आएंगे, यह अनिश्चित हड़ताल आपकी, और शासन जो जनहित की योजना, जनहित के कार्य है वो किए जाएंगे, उनको प्रभावित नहीं किया जाएगा। कार्यालय के काम केवल ठप रहेगा? कार्यालय के ठप रहेंगे सिर्फ, बाकी के कार्य करेंगे हम। ऐसे कहेंगे 20-30 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पे हैं के? हाँ, नगर परिषद में जो कार्यालय से संबंधित। ठीक, ये हमारे भड़ोंगरी के नगर परिषद भड़ोंगरी में श्री नारायण खोरे जी ने शिकायत की है, जो झूठी है। उन्हें हमारे सर श्री संजय कुमार साहू पे झूठी शिकायत की है, और उन्होंने ये शिकायत की है कि उन्हें मारा जाएगा। ये झूठा आरोप है और ये भविष्य में शायद हमारे साथ में भी हो सकता है। और तो आज ज्ञापन दिया इस संबंध में आप लोगों ने? जी। क्या मांग की आप लोगों ने? हमने ये मांग की है कि उन्हें जो भी झूठी शिकायतें की है उसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि भविष्य में हमारे साथ में भी ऐसी घटना ना हो। जी, और आज से आप सभी हड़ताल पर भी है? जी। कब तक हड़ताल चलेगी? जब तक वो अपनी झूठी शिकायत वापस ना ले, तब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। तो सभी कर्मचारी हड़ताल पर है? हाँ, तो आप सब शासकीय कर्मचारी है क्या? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।